अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साजिदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे बफ वाली स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके फोर फोल्ड करना है। इस तरह से ये हमारा कपड़ा फोर फोल्ड है। अब जहाँ से हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ से हमें अपनी आस्तीन की लंबाई लगानी है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच पूरा आ रहा है हमारा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी आस्तीन की गोलाई होती है वो लेने से पहले हमें 3 इंच एक्स्ट्रा, जहाँ से हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ से 3 इंच, आपको जितना बफ चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो आप 3.5 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 3 इंच यहाँ से ऊपर से और 3 इंच नीचे से बढ़ाएंगे। ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा जो हम इसमें चुन लेंगे बफ्स के लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें अपनी आस्तीन की गोलाई लेनी। तो हमारी जो आस्तीन की गोलाई है वो है 6.5 इंच की, और यहाँ से हमें लेना है अपनी आस्तीन की चौड़ाई जो है हमारी 9.5। तो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। उसके बाद हमें नॉर्मल आस्तीन बनानी है, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं कपड़े पे। यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से इस 3 इंच के निशान से मिला लेना है। अब इसका आधा करना है हमें, उसके बाद हमें इसका भी आधा करना है, और यहाँ पर भी हमें आधा करना है। आधा इंच हमें नीचे साइड से लेना है, फिर आधा साइड हमें ऊपर साइड से। अब हमें पूरा मिला लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे जो हमने आस्तीन की गोलाई लगाए हैं वहां पर हमें मिला लेना है। अब इसकी हम कटिंग करके लेंगे। ये देखिए, ये भाग 3 इंच के बाद वाला हिस्सा हमारी नॉर्मल आस्तीन है, और उससे पहले जो हमने लिए हैं वो हमारे इसमें इस तरह के चुन आएंगे। और यहाँ पर हमें हल्का सा कट लगा लेना है। अब इसके नीचे हम पाइपिंग के लिए दूसरा कपड़ा लेंगे। उसकी जो पट्टी है, जितनी हमारी आस्तीन की गोलाई है हमें उतना ही लेना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम आस्तीन की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं फोल्ड वाले हिस्से की जगह पे से, तो इस तरह से हम आस्तीन को खोलकर ये देखिए इस साइड पर भी हल्का सा निशान आ गया है। तो इतने से हिस्से में हमें पूरी टक्स लेने हैं, तो टक्स हमें इस तरह से लेने हैं, ये देखिए। इसमें 4 से 5 टक्स आएंगे, तो इसपे हम सबसे पहले एक एक टक्स लेकर उस पर प्रेस कर लेंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो। ये देखिए, हमने इस पे प्रेस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई करेंगे ताकि हमारे टक्स अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, हमारी ऊपर और नीचे सिलाई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमारी आस्तीन की गोलाई है वहां पर हमें पाइपिंग लगानी है दूसरे कपड़े की। तो इसी तरह हमें इसे सीधा सीधा सिलाई करनी है। पाइपिंग के लिए पट्टी भी हमें सीधी ही काटनी है और 1.5 इंच की चौड़ाई काटनी है। ये देखिए, हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम आस्तीन अटैच करेंगे कमीज के ऊपर। तो ये हमारे आर्म होल वाला हिस्सा है, अब इसी के ऊपर हमें आस्तीन रखनी है अपनी। ये देखिए, हमारी आस्तीन अटैच हो चुकी है। अब हम साइड ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, हमारी बफ वाली आस्तीन तैयार हो चुकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।